0 decibels. The level of rustling leaves. Some people with very good hearing ability down to minus 15 decibels. If a sound reaches 85 decibels or stronger, it can cause permanent hair damage. You all must be wondering, ये सब पढ़ा के मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? देखो भाई, खाली दिमाग मतलब शैतान का घर, और कुछ शैतानी चीज़ आज हम करने वाले हैं। करेंगे क्या? देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। मेरी बाइक आप ज़्यादातर लोग जानते हो कि बहुत लाउड है। वो बाइक मतलब ये है ना, क्योंकि मैंने इसके साइलेंसर में कुछ मॉड किया है। इन केस जिन लोगों ने वो मॉड नहीं देखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, उसे जाके पहले देख लो, फिर इसे देखना, तब आपको चीज़ें रिलेट करने में आसानी होगी। देखो, सीधी भाषा में बताऊँ, मैंने अपनी बाइक का डीबी किलर जो साइलेंसर में होता है वो हटा दिया है, जिससे कि साउंड बहुत तेज़ आती है, बहुत बेस वाली आती है। और आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया है कि ये साउंड चेक की जाए कि कितनी लाउड है। तो आज मेरे पास है फ़ोन में एक डेसिबल मीटर, पता नहीं है कितना सही है, लेकिन हो सकता है सही हो, जो कि साउंड की डेसिबिलिटी या जो साउंड का डेसिबल होता है उसे रिकॉर्ड करता है और एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम चीज़ें बताता है। इससे हम ट्राई करेंगे और देखते हैं कि आज अपनी बाइक लोगों के कान फाड़ पाती है कि नहीं। वो तो वैसे फाड़ ही देती है, और मैं मोहल्ले के कुत्तों का दुश्मन हूँ रात में, जो रात में वो भौंकते हैं, इसीलिए यही करेंगे आज। पहली बार मैं खुद ये ट्राई करने वाला हूँ, तो चलो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलो शुरू करते हैं वीडियो आज का, ठीक है? तो भैया, कुछ ऐसी है अपनी बाइक जिसको हमने अभी चादर उढ़ा के रखा है, ताकि जो धूल वगैरह आती है, और फिलहाल उसके पेंट मैंने डिटेलिंग की थी जैसा कि आप देख सकते हो, ताकि गंदा ना हो जाए, तो ये मैंने चढ़ा के एक प्रिकॉशन ले रखा है। हटाते हैं इसे, स्टार्ट करते हैं और फिर टेस्ट शुरू करते हैं अपना, और फिर देखते हैं कितनी लाउड है बाइक, ठीक है? आओ। तो देखो भैया, ये है हमारे पास हमारा साउंड मीटर, और देखते हैं कितना सही है ये, पहले इसको ट्राई करेंगे। तो देखो, जैसे मैं अभी ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ हेलो, तो ये उस हिसाब से काम कर रहा है। देखना है अब कितना ये सही तरीके से काम करता है। नीचे लिख के भी आ रहा है कि हम किस तरीके के एनवायरनमेंट कंडीशन में हैं। तो जैसे थोड़ा मैं लाउड होता हूँ, तो मैक्सिमम 79 डेसिबल्स गया। देखते हैं बाइक का कितना जाता है। आई डोंट थिंक कि 80 पार करेगा, क्योंकि मैक्स 80 हो रहा है, और मैंने इसको पहले भी ट्राई किया है, चिल्लाने के बाद भी ये 80 ही जा रहा था। देखते हैं कितना जाता है। तो भैया, अभी देखो एक ऐसा सेटअप बना रखा है, अभी ये बाइक का एग्जॉस्ट है, यहाँ पे डीबी मीटर अपना काम करेगा, और यहाँ पे मैंने कैमरा रख रखा है, ताकि एकदम रॉ फुटेज आए, कोई भी आपको ऐसा ना लगे कि एडिट कर दिए, ऐसा कुछ है। तो देखो, अभी बाइक घर के अंदर खड़ी है, जैसा कि देख सकते हो, ठीक है, घर के अंदर खड़ी है। तो थ्रॉटल मैं ज़्यादा नहीं खोलने वाला हूँ, सीधी बात, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत लाउड है, सीरियसली मुझे पता है बहुत लाउड है। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा एक अच्छे अमाउंट में थ्रॉटल खोलूँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना खोल दूँ कि घर वाले आके गाली देने लगें। तो इतना ही काम करेंगे, ज़्यादा थ्रॉटल नहीं खोलेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं कितनी रीडिंग आती है। आई होप ये कान फाड़ने लायक हो, चलो शुरू करते हैं। तो अभी देखो, मैंने बिल्कुल थ्रॉटल नहीं दे रखा है, लेकिन आवाज़ कितनी लाउड है। डीबी मीटर में रेटिंग आ रही है 87, बिना थ्रॉटल खोले 87 की रीडिंग दे रहा हूँ। मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है, ताकि इसका माइक अच्छे से आवाज़ को कैप्चर कर सके। बिना थ्रॉटल खोले डीबी मीटर 87 की रीडिंग दे रहा है, बेस आप फील कर सकते होगे। अब हल्का सा थ्रॉटल खोलते हैं, बहुत हल्का सा। भाई ये सब बहुत लाउड है। बस भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो देखो, मैंने इस टाइम बस इतना थ्रॉटल दिया था, इतना, सिर्फ इतने में घर के सारे खिड़की दरवाजे हिल गए, मेरे कान फट गए। अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, बहुत तेज़ है इसकी आवाज़, सिर्फ पता नहीं माइक कितना जस्टिस कर पाया, लेकिन अगर आप इसको ईयरफोन में सुनेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा ये कितना लाउड है। देखते हैं डीबी मीटर में रीडिंग कितनी आई है इसकी। अभी मैंने इसमें कॉर्डलेस माइक का उपयोग किया था,
इसलिए आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आ पाई, मतलब लाउड नहीं आ पाई, क्योंकि इसका काम ही वही होता है कि नॉइस कैंसिलेशन करना। तो मैंने ये माइक लगा रखा है जैसा कि आप देख सकते हो। अब मैं करूँगा क्या, इसको सीधे एग्जॉस्ट के पास ले जाऊँगा और तब मैं रेव करूँगा, तब आप फील करना कि ये कितना लाउड है। तो भैया अभी मैंने माइक लगाया, आपने सुना होगा और देखा होगा, एग्जॉस्ट मफलर के पास माइक लगाया, जब मैंने रेव किया है माइक ने आवाज़ ही नहीं कैच की ये इतना लाउड है। यू मस्ट हैव नोटिस कि जब रेव कर रहा हूँ तो वो भुस 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 कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ कर रहा है, इतनी लाउड है ये। और अगर मैं रीडिंग दिखाऊँ वहाँ पर क्या आई है तो वो देखो पहले। रीडिंग आप देख सकते हो, इसने ली है मैक्सिमम 89 डेसिबल्स। इसको पॉज कर देते हैं। तो देखो अब मुझे तो ये लगता है कि ये 100 डेसिबल प्लस आवाज़ करती है, आई एम श्योर। लेकिन अब ये एक ऐप मैंने यूज़ किया है जो मैक्सिमम 90 डेसिबल्स तक जा रहा है, मतलब ये भाई साहब कान फाड़ सकती है आराम से, ये इतनी लाउड है स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ। अब अगर मैं इसमें थोड़ा कस्टम एग्जॉस्ट लगवा लूँ तो आप सोच सकते हो ये कितनी लाउड हो जाएगी। सो दिस इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द लाउडनेस। तो भैया इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप वो आपको जो रन था वो अच्छा लगा हो। पीछे खड़ी है अपनी बाइक, ऐसी कुछ दिख रही है, दोनों इंडिकेटर्स जल रहे हैं। कमेंट्स में आप बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा। अगर कहीं भी अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऐसी वीडियोज़ देखनी है तो जुड़े रहो। एक चीज़ हम करने वाले हैं वो क्या है कि मैं अपनी बाइक में एक नया मॉड करने वाला हूँ, कलर स्कीम में थोड़ा सा चेंज लाएंगे। तो जिसको अगर वो चीज़ अच्छी लगती है नीचे कमेंट कर सकता है, अपने आइडियाज़ दे सकता है, मैं उसको कंसिडर ज़रूर करूँगा। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए सीट बेल्ट पहने, मेरे पीछे बुलेट आ रही है, हाँ सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, सुरक्षित चलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर दो यार, अच्छा लगता है। एक बार रेव सुनना है, फिलहाल माइक मेरे हेलमेट में लगा है तो रेव एक बार सुन लो कितना आता है। जैसे ये है, लाउड है भाई साहब, बहुत लाउड है। लाइक कर दो यार, चलता हूँ, बाय।